70,000 के आसपास बढ़िया लैपटॉप ढूंढ रहे हो कॉलेज के लिए 2024 में, तो स्वागत है हमारे क्विक लिस्ट में। पहला लैपटॉप है एप्पल मैकबुक एयर, M1 चिप, 8 GB रैम, 256 GB SSD, 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले। दूसरा है डेल इंस्पायरन 3530, इंटेल i7 13 जनरेशन यू सीरीज का प्रोसेसर, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल। तीसरा है आसूस वीवोबुक 15, इंटेल i7 12 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल। चौथा आता है हमारे पास लेनोवो एलोक्यू, इंटेल i5 13 जनरेशन HX सीरीज का प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ आ रहा होता है। पांचवा लैपटॉप है हमारे पास डेल G15, इंटेल i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर है HX सीरीज का, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। अब जैसे आप नंबर 1 से नंबर 5 की तरफ आते हो, प्राइसिंग धीरे धीरे कम होगा, तो क्वालिटी भी धीरे धीरे हमें कम देखने को मिलता है। बट अगर आप बात कर लो कि किस केस में कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो सबसे पहला तो एप्पल का हमारे पास मैकबुक है, तो अगर आप एप्पल का ही ढूंढ रहे थे, चाहे सस्ता से सस्ता ही मुझे मैकबुक ही चाहिए। अब मैकबुक में ज्यादा सवाल जवाब करने वाली बात नहीं, स्पीड आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है, वीडियो एडिटिंग करना हो, कोडिंग वगैरह करना हो, परफॉर्मेंस टास्क करना हो, गेमिंग वगैरह नहीं संभालता है उतना। आप देखिए धीरे धीरे अगर आता है अलग बात है, लेकिन ये सारे लैपटॉप गेमिंग वगैरह पर्पज से नहीं होते, वीडियो एडिटिंग कर देगा आपका, और इसी के साथ आपका जो भी कोडिंग परफॉर्मेंस वाले टास्क, वो सारी चीजें एप्पल का ही ढूंढ रहे थे, तो पहले लैपटॉप के साथ जाइए। चौथे और पांचवें लैपटॉप को अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों हमारे पास गेमिंग लैपटॉप है। अगर कॉलेज में आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, इसी के साथ अगर बहुत ज्यादा हैवी वीडियो एडिटिंग भी करने का मन हो, गेमिंग भी चाहिए, वीडियो एडिटिंग भी चाहिए, हैवी प्रोसेसर भी चाहिए, एच सीरीज का प्रोसेसर हमें चाहिए, HX सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एच सीरीज से भी अपर वेरिएंट माना जाता है, तो आप चौथे और पांचवें लैपटॉप के साथ जा सकते हो। जिसमें अगर मैं बताऊं आपको, तो दोनों में ही आपको इंटेल का i5 13 जनरेशन 450 HX सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, दोनों में ही 16 GB रैम, दोनों में ही 512 GB SSD, 15.6 इंच का डिस्प्ले पैनल दोनों में ही है, RTX NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड दोनों में ही देखने को मिल जाता है। और अब जिन्हें लेनोवो का पसंद है वो चौथे लैपटॉप के साथ जाइए, जिन्हें डेल का पसंद है वो अपने पांचवें लैपटॉप के साथ जाइए। दूसरा और तीसरे में अगर बात कर लें, तो अगर आपको चाहिए कि मेरे पास प्रोसेसर तो बहुत तगड़ा हो, एकदम नया मुझे इंटेल i7 का प्रोसेसर चाहिए, तो आप दूसरे और तीसरे के साथ जाइए। लेकिन इसी के साथ अब देखिए कि क्या मुझे हैवी परफॉर्मेंस चाहिए या बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, क्योंकि इंटेल i7 दोनों है, तो दोनों में ही हमें स्पीड बहुत तगड़ा देखने को मिलने वाला है, लेकिन स्टिल यू सीरीज का स्पीड थोड़ा कम होता है, बट बैटरी बैकअप ज्यादा होता है, यानी कि सिंगल चार्ज पे ज्यादा चल सकता है। एच सीरीज का यू सीरीज से थोड़ा ज्यादा स्पीड होता है, बट बैटरी बैकअप थोड़ा कम होता है, तो आपके ऊपर है कि इंटेल i7 में बहुत बढ़िया स्पीड तो मिल ही रहा है, बट उसमें भी सबसे बेस्ट स्पीड चाहिए, तो आप जा सकते हो अपने i7 12 जनरेशन एच सीरीज के साथ, जो कि तीसरा लैपटॉप है, वरना आप इंटेल i7 13 जनरेशन यू सीरीज के साथ जा सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास i7 13th जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये और ज्यादा इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, जैसे जनरेशन हम आगे बढ़ते हैं बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और बढ़ता है, तो यू सीरीज होने से दूसरा लैपटॉप में तो बैटरी बैकअप ऐसे ही बढ़ जाता है, और सीरीज इसमें तीसरे वाले में 12th जनरेशन है, और वही सेकेंड वाले में 13th जनरेशन है, जनरेशन बेटर, तो और ज्यादा बैटरी बैकअप बढ़ गया, तो उस हिसाब से देख लीजिए। बाकी दोनों में 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल। अब आपको जो कोई भी लैपटॉप लेना हो, पसंद आ रहा हो, डिटेल्स चेक करने हो, सभी का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप Amazon पर जाकर इनके डिटेल्स चेक कर सको।